सलाम नमस्ते आदाब, सत अकाल मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे श्रद्धा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रेडियो मौसम के टॉक शो पे बातों बातों में जो आज के हमारे सेलिब्रिटी है ना ही इज अ पावर हाउस कमेडियन अमेजिंग एक्टर एंड यस आई एब्सोल्यूटली अग्री कॉमेडी इनका बर्थ राइट है तो गेसेस करने की जरूरत नहीं है लेट मी वेलकम ओजस रावल जी नमस्ते सर वेलकम टू तो द शो नमस्ते बहुत-बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी थैंक यू सो वेरी मच सर कैसे हो आप बस देखिए बढ़िया है घर पे हैं स्टे होम स्टे अलर्ट एब्सोल्युटली तो अभी ना ये लॉकडाउन का सवाल पूछने वाली हूँ मैं पूछूंगी अनलॉक प्रोसेस आपका कैसे चल रहा है अनलॉक तो जो आ, इंडिया में अनलॉक जब से हुआ है तो 16 प्रोजेक्ट्स फॉर्चूनेटली टचवुड मेरे हो चुके थे अनलॉक फेज में सो विच वॉज एक uh, काम का आश्रम एक यज्ञ हमने कर दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि जो चार पांच महीने हम घर बैठे रहे बिकॉज ही एक्टर्स कांट रियली वर्क फ्रॉम होम सो फ्रॉम होम तो जो भी जो भी काम मैंने किया वो ऑडियो वर्क सो ऑडियो बुक्स हैं डबिंग है, है uh, ये वगैरह चीजें मैं uh, कर रहा था लॉकडाउन में लेकिन अनलॉक में uh, बहुत सारी ऑफर्स uh, थी और uh, छोटे यूनिट्स छोटा क्रू छोटा ड्यूरेशन ऑफ शूट टाइम तो तीन चार फिल्में तीन चार वेब सीरीज कुछ एड्स वगैरह ऐसे करके 16 प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए थे अनलॉक पे और इट 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 इज मतलब जब भी कोई इंडस्ट्री में से जब भी कोई फ्रेटर्निटी में से मिलता है तो वो कहते थे कि अरे तुम तो मतलब ये क्या मचा दिया है तुमने तो धूम नहीं यू शुड ऑलवेज कीप गोइंग कुछ भी हो काम आता रहना चाहिए दिस इज वॉट

तो नौ रसों में से हास्य रस एक रस है तो आ, उस रस में जब आप प्रवेश करते हैं और से जब आप एग्जिट करते हैं तो ये कितना इजीली आपको आता है कितना इजीली आप ये कर पाते हैं तो आ, अलग अलग यू you नो know, रोल्स आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे तो यही यही एक रहा है पहले से और आई थिंक बिकॉज ये प्रैक्टिस होती आई है तो फिर वो यू नो द गियर्स आर इन मोशन

मोटिवेशन देना सेमिनार्स रखना लेक्चर्स रखना इनफैक्ट आई जस्ट गॉट आउट ऑफ वन व्हिच वी वर हैविंग टुडे तो वो सेमिनार्स करते रहना वो मोटिवेशन देते रहना स्कूल्स कॉलेजेस में तो अब जा नहीं पाते बिकॉज़ ऑफ कोविड लेकिन वहां जुड़े रहना इज समथिंग दैट आई आई पर्स्यू एंड दैट इज समथिंग दैट आई सी मायसेल्फ डूइंग मे बी लेटर इन द ईयर यू नो आई विल समवेयर एटलीस्ट एक विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर एक कहीं पे लेक्चर कहीं पे पढ़ाते रहेंगे इनफैक्ट ये इन द कमिंग समर आई वाज सपोज्ड टू ट्रेवल द्लास तो मैं और दो अलग दूसरे कलाकार एक्टिंग डायरेक्शन और राइटिंग पर एक वर्कशॉप लेकर हम आने वाले थे पोस्टर uh, you know, uh, so yeah. yeah, भी लॉन्च हो गया था इंटरेस्टिंग टू टू डू दैट और इसके अलावा अगर कुछ uh, मतलब टू डू लिस्ट में है वो है uh, Uh, भरतनाट्यम कंप्लीट करना uh, सितार सीखना uh, wow. और uh, हिंदुस्तानी uh, वोकल के, uh, का प्रयास करना <laughs> इतनी सारी चीजें माय गॉड ये आपका बकेट <laughs> लिस्ट है इज इट 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 इज अकेट लिस्ट यस दैट्स वंडरफुल तो ओजस जी हमें बताइए कि आप आपके जो कॉमेडी शोज के लिए प्रेप कैसे करते हैं लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू बिफोर यू स्टार्ट विद एनी पीस

ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आई मोस्टली डू ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर हैज अ लॉट टू डू कॉमेडीवेशनल गुजराती कम्युनिटी तो गुजराती कम्युनिटी हालांकि मैं शोज इंग्लिश और हिंदी में भी करता हूँ ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं लेकिन मेरा फोकस जो है वो है मोस्टली ऑन ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी ऑफ गुजरातीज तो फिर उनके तौर तरीके होते हैं उनकी दिनचर्या जो होती है या उनके सिग्नेचर जो कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फाफड़ा जलेबी तक सीमित नहीं है उससे कहीं आगे है यू नो तो कभी कभार वो स्टीरियो हो जाते हैं कि भाई ये आ, ये इतना ही हो गया या मराठीज है तो फिर उनका यू नो एक आ, पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप हो गया या पंजाबीज का एक स्टीरियोटाइप हो गया या तो वो स्टीरियोटाइप्स जो परसिव स्टीरियोटाइप हैं उससे कहीं ज्यादा

तो ये स्टैंड अप कॉमेडी अगर वो चाहे मैं सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ या गुजराती कुकरी शोज पे मैं बात कर रहा हूँ तो वो फिर बढ़ते जाता है लाइक like, जब मैंने वो कंसीव किया था कुछ सालों पहले सो दैट वाज बिट फॉर मे बी अबाउट टेन मिनट्स सो नाउ आई कैन गो ऑन फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर अरे वाह इतना प्रोग्रेस या इट्स इट्स बेसिकली यू यू कीप ऑब्जर्विंग मोर So like for example, अगर True. मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि आप डोनाल्ड तो पे कुछ लिखिए तो आज आपने ah. Donald Trump पे कुछ लिखा, ठीक है कि वो घर 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 नहीं 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 छोड़ रहे, रहे, तो बाद जब मैं आपको मिलूंगा दस मिनट के बजाय आपके पास पंद्रह मिनट होंगे तो कि आपने बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है बिफोर यू प्रेजेंट एनी पीस तो जी और क्या oh, so है तो वो भी ये समझ लें कि जब आप ये करें तो अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए बिकॉज आप स्कूल uh, कॉलेज के परफॉर्मेंसेज तक uh, सीमित नहीं है अब आप आपको ओपन माइक्स का भी एक ऑप्शन है तो यू कैन गो टू एन ओपन माइक एंड यू कैन परफॉर्म फॉर फाइव टू टेन मिनट एंड बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम देयर I think open mic is a place where they can learn and like you know yeah, understand. Yeah yeah. Okay what's their genre? Very true. Sorry sorry to get back to your next question ji. तो sir ये बताइए कि आप कैसे decide कर लेते हैं कि अब मेरी audience को क्या next चाहिए? Like is it like ready होता है pre plan होता है या कभी-कभी कुछ spontaneous भी निकल आता है? Uh, obviously जो current topics होते हैं topical चीजें जो होती हैं वो अगर करें तो definitely बेहतर है। क्योंकि इट इज एन इंस्टेंट कनेक्ट तो हम अगले सालों तक अगले कुछ सालों तक देखेंगे कि कोरोना कंटेंट या कोविड कंटेंट बहुत निकलेगा बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज That is is affecting everybody, you know. I don't think there is anybody in this entire world who has not been affected physically, financially, emotionally, correct, whatever, correct. Uh, uh, because of COVID. Uh, ye content aapko zyada तो फिर इस पे किया जाए या ये ये टॉपिक्स हैं तो इसी पे करें ऐसा नहीं है जो भी मुझे पसंद आता है अगर मुझे uh, entertainment मिल रहा है अगर मैं मनोरंजन इसमें से ले सकता हूँ तो फिर मेरा ये प्रयास रहता है कि इसको कैसे किसी को प्रेजेंट करूं और वो भी उसमें से कुछ मनोरंजन पा सके सो एंड टिपिकली जो मेरा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होता है इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम तो गुजराती कुकरी शोज जो है तो वो टाइम से इतना रिलेटेड नहीं है वो आज भी लोग कनेक्ट करते हैं uh, या सोशल मीडिया है तो लाइक फॉर एग्जाम्पल चलो व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप के जो ह्यूमर है वो दो साल पहले भी कनेक्ट कनेक्ट करता था लोगों को आज भी कनेक्ट करता है और बाद भी कनेक्ट करेगा। करेक्ट। या हालांकि अगर मैं टिकटॉक टिकटॉक की बात करूं, तो शायद का अस्तित्व ही खतरा हो, हो चुका है इतनी भी आ चुकी है टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स काफी टाइम बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर आपने एक लेडी स्पेशल करके जो टीवी सीरियल थी सोनी पे I yes. used to watch that with my mom, and we used to wait के कब अमर देसाई जी स्क्रीन पर आने वाले। ये <laughs> ये वही अमर देसाई के ही चश्मे हैं। <laughs> <laughs> तो सर एक्चुअली सवाल ये था ना कि आपने ऐसा मतलब एकदम गंभीर रोल प्ले किया उसमें। या। ओके। okay. एंड अभी तक लोगों ने ऐसा कोई कैरेक्टर आपने आपका देखा नहीं था स्क्रीन पर। तो कैसे? Ah. How did you carry off that character so So, श्रद्धा जी एक बहुत ही आपको और जितने भी हमारे साथ श्रोता या प्रेक्षक जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ये छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ कि कैसे ये रोल मिला मुझे अः uh, ऑब्वियसली जो आपके दिल में सवाल है वही सवाल उन मुझे भी था कि भाई यू नो कॉमेडी करते रहते थे और uh, हम मिलने गए थे उस प्रोडक्शन हाउस में uh, कॉमेडी के एक शो के लिए जिसका नाम है कॉमेडी सर्कस जो अर्चना पूरन और जज करते हैं तो आ, ये हम जब मिले गए थे उनसे और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम ये शो करेंगे शो आ, के पहले एक वो, जैसे कॉमेडी दंगल करके एक प्रोग्राम आ रहा था हाँ। फिर वहां उसके लिए मिलने चले गए तो वहां बात हुई बोले हाँ डन हो गया फिर वो शायद कुछ वर्कआउट नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं फिर हम दूसरी बार मिलने गए तो दूसरी बार जब गए थे तब भी उन्होंने कहा कि ये एक शो आ रहा है तो अब आप इसमें हो और हम शुरू कर रहे हैं शूटिंग वगैरह शुरू कर दी थी लेकिन फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए तो, तो उसको थोड़ा सा अलग डिजाइन करने का सोचा उन्होंने तो वहां से फिर निकल गए तो दो बार रिजेक्ट हो चुके थे प्रोजेक्ट वाइज तो तीसरी बार जब फोन आया तो वो फोन यू ही आया था कि भाई आप मिलने चले आइए ऑफिस और मुझे पता था कि इट वॉज मोर ऑफ अ कंडोलेंस कॉल के भाई देखिए अगर हम दो बार तो नहीं हुआ है अब तीसरी बार जब जब कभी करेंगे तब करेंगे तो मैंने okay. कहा कि ठीक है चलो मिलने तो चले जाते हैं हमें कंसिडर किया वही बहुत बड़ी बात है तो मैं चला गया वहां पे मिलने और मैंने मिला मैं मिला उनसे और उन्होंने कहा कि देखिए अब हम अगली बार जब कॉमेडी शो प्लान करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे और उसमें तो फाइनल है ही है <laughs> तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना बैग लेके मैं लिटरली दरवाजे पे खड़ा हूँ हम फिलहाल एक फिक्शन शो में बिजी हैं है हुँ. बाकी हम जब नॉन फिक्शन करेंगे तब आपको बुलाएंगे तो मैंने कहा ठीक है सर फिक्शन फिक्शन हो non -fiction हो हो नॉन जो भी हो, आप बताइएगा मुझे तो उन्होंने कहा रुको तुम्हें फिक्शन करना है <coughs> <coughs> तो मैंने कहा कि बिल्कुल करना है क्योंकि हम तो एक्टर हैं ऐसा थोड़ी लिमिटेड है कि सिर्फ कॉमेडियन ही है तो फिक्शन करना है तो ठीक है तुम जाओ हम कल तुम्हें बताते हैं कुछ मैंने कहा ठीक है

तुम ये फोन पकड़ो और मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड करना है तुम्हें तो उसने कहा नहीं नहीं मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड मैंने कहा अरे भाई तुम मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो ये फोन पकड़ो तुम्हें <laughs> कुछ नहीं करना है सिर्फ ये फोन पकड़ के खड़े रहना मुझे एक ऑडिशन देना है मैं मैं दे देता हूँ ठीक है ठीक okay. तो है तो फिर मैंने वो ऑडिशन दिया

लड़के को बुलाया मैंने कहा कि देखो दूसरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे कहा अरे साहब अरे तुम करो मैं बोल रहा तो तो उसने दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया और दूसरा मैंने भेजा जिसमें आई हैड एडेड मोर गिल्ट मोर कंपैशन मोर एंग्जायटी सो टू से डॉक्टर अमरदेश साई के पर्सपेक्टिव से बिकॉज़ ही इज़ अ डॉक्टर सो ही हैज़ टू हैव कंपैशन तो वो ऐसे नहीं कर देगा कि किसी को कि देखो तुम एक यू नो कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ हो मेरे लिए जो एक कुछ पलों की मेहमान हो मेरे घर मेरे घर में और फिर तुम yeah. चली जाओगी तो so एकदम ऐसा तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर देगा वरना देन ही विल बिकम अ विलन तो वो आई थिंक चैनल को बहुत कनेक्ट कर गया एंड फिर वो वहां से the rest is history. So, एक लेडी स्पेशल के पहले का और लेडी स्पेशल के बाद का दौर मेरी जिंदगी में रहा है क्योंकि हो गई कि एक ये सिर्फ कमेडियन नहीं है एक्टर है जो कॉमेडी भी करना जानता है और दूसरा ये है कि एक ऐसा गुजराती है जो बिना एक्सेंट की हिंदी बोल पाएगा

सर सरला में बहुत ही सीरियस रोल था uh, मेरा पिया घर आया बहुत ही कॉमेडी रोल था तो ये गेट टू स्टेज लेटर ऑन बट हाउ एक्चुअली लेडी स्पेशल और एक हमारी दिस जस्ट अ साइड दैट नॉट मेनी पीपल नो सो बातों बातों में ये एक रिलीज you know, कर रहे हैं uh, <laughs> okay. ससुराल गई थी और वहां पे um, उनकी माता जी उनकी सास चाची बुआ सारे सब बैठे थे लेडीज गैंग बैठी हुई थी वहां पे और उसने पूछा कि मेरे अलावा ऑब्वियसली मैं तो आपकी बेटी हूँ तो मुझे तो पसंद करते ही होंगे आप लेकिन मेरे अलावा और कौन पसंद है आपको इस सीरियल में उन्होंने तो कहा कि अरे वो डॉक्टर अमर देसाई जो है ना वो बड़े बहुत अच्छे हैं वो ये उसने कहा और वो तो ऐसे ही मस्ती कर रही थी उसने कहा कि क्यों वो तो मतलब तीन तीन घर बर्बाद करके बैठा हुआ है एक तो खुद का घर बर्बाद किया हुआ है जो बिंदु आई है उसका भी घर बर्बाद कर रहा है क्योंकि -क्यों उसके तो मतलब जिंदगी बर्बाद करती है जो एक एक्स गर्लफ्रेंड है कंगना उसको भी मतलब चैन से जीने दे पा रहा है ये वो वगैरह तो तीन घर बर्बाद करके बैठा है तो सारी जो लेडीज थे उन्होंने सोचा सोचा फिर कहा नहीं बेचारा कितना प्यारा लगता है कितना क्यूट सा छोटा सा बच्चा है कोई बात नहीं माफ कर दो उसमें तो ये 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 ऐसे वीजाज हमको मिल गए हैं

तो जैसे आपने स्टेज की बात करी तो आप आपका एक एकदम फिनोमिनल प्ले था मेरा पिया घर आया तो उसके बारे <laughs> में आपके रोल के बारे में बताइए कुछ मेरा पिया घर आया दैट वाज अ प्ले दैट वाज दैट इज कंटिन्यूज टू बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्या हुआ स्टेज पे जो मेरा पदार्पण था इंडिया में द फर्स्ट कमर्शियल प्ले ऑन स्टेज व्हिच आई डिड वाज मकरंदेश पांडे सर सर सरला तो huh. so, बहुत ही सीरियस रोल द रोल ऑफ अ डिजेक्टेड हस्बैंड हु इज आल्सो एन अल्कोहलिक ओके तो ना हम अल्कोहल पीते हो ना हम हस्बैंड हैं तो इट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग टू डू दैट एंड देन आई सेड कि अगर कॉमेडी करना है देन इट हैज टू बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक वेरी यूनिक एंड वेरी एक्साइटिंग ओनली देन विल आई डू कॉमेडी अदरवाइज वो व्हाट्सएप uh, के जोक्स स्टेज पे मुझसे नहीं होंगे और आ, मैं वो करना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि अगर वो व्हाट्सएप के जोक्स ही करने तो फिर वो तो मतलब पैसे दे के क्यों ही कोई देखने यू नो वो तो फ्री में व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी से मिल जाते तो तब आ, ये प्रसाद खांडेकर जो है उन्होंने ये प्ले मराठी में किया हुआ था एंड देन भावेश जवेरी, जिनका नाम भी हमारे पोस्टर पे जी। है, इस इवेंट के तो भावेश जी हु हैज थिएटर खुद तो बहुत ही जबरदस्त एक्टर uh, है ही uh, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पार्टनर के साथ हम इसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे फिर इसको अमेरिका लाने के लिए हमसे जुड़े थे जो मयंक जी हैं तो मयंक जी अह हु इज आल्सो रिस्पांसिबल हु इज द ब्रिज बिटवीन मी एंड बातों बातों में सो so, uh, मयंक जी हैज बीन यू नो अ वेटरन प्रमोटर वेटरन ऑर्गेनाइजर इन द यूएस तो उन्होंने भी कहा कि ये प्ले में कुछ बात है और वो बात ये थी कि इट वाज अ हॉरर कॉमेडी एंड वन ऑफ द टू टू ऑफ द लीड कैरेक्टर्स दैट वर देयर जय चौबे एंड मायसेल्फ वी हैव टू प्ले फीमेल रोल्स फॉर ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ द तो प्रॉपर स्त्री पात्र हाँ मैंने स्त्री पात्र पहले किया हुआ है ऑलमोस्ट सेवन एट टाइम्स इन टेलीविजन सिनेमा बट ऑन स्टेज कभी नहीं किया था तो, तो वो प्रॉपर गुजराती साड़ी पहनना वेणी डालना जो गजरा जो आता है बालों हाँ. में हो पूरे सोला सिंगार करने इतनी यहां तक चूड़ियां पहननी फिर वो मंगल सूत्र लिपस्टिक और वो सारा करने के लिए मेरे पास आई थिंक साढ़े पांच से छह मिनट होते थे टू गेट आउट ऑफ कॉस्ट्यूम आई वॉज इन एकदम करके उसका एक दोस्त होता है वो जो चैलेंज था कम्स बैक ऑन स्टेज कम्प्लीटली डेक्ट आउट और वो एंड uh, uh, तक करती है और फिर उसमें गाना भी है उसमें डांस भी है uh, और वो गुजराती का एक बहुत ही जबरदस्त मतलब कहा जा सकता है कि जैसे गुजराती में पॉपुलर हो अगर कि ओढणी ओढू तो उड़ी उड़ी जाए हां हां तो हा, उसी हा। के लेवल का दूसरा जो गाना उस जमाने के थिएटर कंपनीज में बहुत पॉपुलर हुआ करता था और फिल्म्स में भी दैट वाज हमारी वेडी में चार चार फूल तो ओके oh, okay. चार चार फूलंबोडल सोहे सोहामणी रे झूल तो ऐसा सब हम गाना वगैरह करते थे एंड इट इज बेसिकली अ हॉरर कॉमेडी जहाँ पे एक दोस्त है उसके दो दोस्त होते हैं जो मेन हस्बैंड है उसके दो दोस्त होते हैं और वो दोनों दोस्तों में उस हवेली की जो दो औरतें हैं उनकी आत्माएं है आ जाती है। अब एक आत्मा है जो फॉरेनर की है एक आत्मा है जो गुजरातन की है तो दोनों दो आ जाती है बिकॉज दिस 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 हवेली बिलोंग टू फॉरेनर

जो मेन ओनर होते थे उस ओनर का जो पोस्टर है उस पोर्ट्रेट को हटा के फिर ऐसे वो हस्बैंड हाथ हाथ डालता है 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 वॉल में और फिर 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 वो हाथ आता 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 नीचे से वापस वापस जाता है, फिर वापस आता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे ये आठ दस फुट का हाथ कैसे हो सकता है तो ये जो सारे ट्रिक्स है फिर जैसे दारू की बोतल है तो दारू की बोतल में से वो घुमाते हैं तो एक एक्टर करता है तो दारू नहीं निकलता है तो दूसरा करता है तो निकलता है तो ये सारी ट्रिक्स ऑडियंस को बड़ी पसंद आती है कि ये कैसे करते थे ये ना ये

ओजिस जी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ हमारे इंटरनेट रेडियो के बारे में जी प्लीज वी आर राइट नाउ मोर देन लाइक यू नो वन लाख लिसनर्स क्रॉस कर चुके हैं अरे क्या बात है अरे बहुत बहुत बढ़िया सब आप लोगों की कृपा है सर एंड मोर देन 50 प्लस कंट्रीज दे आर आर दे दे एंड

then you have hmm. to get a rt pcr done in the last 72 hours correct correct um, so then even uh, mere bhi kafi kuch projects december mein lined up the gujarat mein jo abhi jinka asthitva thoda sa dama dol hai nahi hopefully sab theek ho jaye jaldi to ojis ji ye situation jo covid wali hai mentally bahut logo ko impact hua hai i hope जी. you agree to this and if i'm not Absolutely. mistaken you were one of the moderators

कहीं न, कहीं तो channelize है. So, uh, और ऐसा ही एक सेमिनार जो अहमदाबाद टाइम्स के मतलब uh, प्लेटफॉर्म से हो रहा था ये तो वहां पे वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन दिस टॉपिक हु हैड सेमिनार्स एक जिसमें ये टॉपिक था कि भाई कोविड से कैसे डील किया जाए एक में युवाओं को क्या मैसेज दिया जाए सो आई थिंक देर इज अ ग्लोबल सोशल कॉन्शियसनेस वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इट इज नॉट जस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ माई सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ एवरीबडी एल्स एंड uh, जो टॉम हैंक्स जो एक्टर हैं उन्होंने एग्जांपल हाँ. दिया है लेकिन आपने इंडिकेटर दिया नहीं दिया आपको फर्क, आपको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बट इट इज द सेफ्टी ऑफ एवरीबडी एल्स इट इज ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ योर कार

and that is very important but i think we needed a very tight slap on our faces so, uh, i mean I, I hope people continue to understand the importance of this it's very important because now we have no clue vaccine hai can medicine hai can it's just that and, and, and even if, and 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 even and if and we do get the vaccine we don't know what the side effects are because we've not no. had the time to test it out correct

स्कूल में हो कॉलेज में हो तो कॉलेज में एक थिएटर ग्रुप शुरू कीजिए अगर है शुरू तो ज्वाइन कीजिए एंड यू यून ज्वाइन ग्रुप यू कैन अ थिएटर थिएटर ट्रूप कंपनी दैट इज इन योर सिटी इफ यू यू डोंट इफ कम फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी यूंसे जितने भी लोग जुड़े हैं इफ यू कम फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी जहां पे ये सब चीजें नहीं होती हैं देन लुक फॉर अ वर्कशॉप दैट इज हैपनिंग इन द क्लोजेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द क्लोजेस्ट मेगा सिटी नेक्स्ट टू यू तो अगर आपके बगल में कहीं कोई सिटी है जहां पे um, एक वर्कशॉप किया जा रहा है नाट्य शिविर हो रही है वहां पर ज्वाइन कीजिए जो एक हफ्ता होती है टेलीविजन एंड फिल्म बी मच इजियर स्टेट जहां फिर फिर आप जाना जाना चाहिए इन फैक्ट लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू कंटिन्यू इन थिएटर यू कैन डू दैट ऑल्सो तो ये एक सुझाव है कि दट कंटिन्यू डूइंग थियेटर एंड ऑब्वियसली डू नॉट रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल

so Gigi. you just have to repeat after me radio awesome uh -huh. it's awesome uh, so Ashada, I, I lost you for that bit so you'll have to repeat it ha, so it, i was saying that radio awesome it's awesome okay, if you could okay repeat it after me yes 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 so right after you go ahead and then i'll repeat it sure radio awesome it's awesome Radio awesome, it is awesome. अरे वाह आपका तो अंदाज ही अलग है ऑल राइट थैंक यू सो मच बहुत मजा आया आपसे बात करके और हमारे सारे लिसनर्स आपके फैंस और जितने लोग भी हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं थैंक यू सो मच सर आपने टाइम निकाला और हमसे बातें करी इतनी सारी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले श्रद्धा जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू लवली क्वेश्चंस एंड आई एम ग्लैड दैट वो सारा ही कुछ आपने बुलवा लिया जो मैं एक्चुअली बताना चाहता हूं लोगों को तो वेल यू नो मे गॉड ब्लेस अस ऑल जो भी लोग हमसे जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप सपोर्टिंग यू नो द एफर्ट दैट श्रद्धा जी एंड ऑन द रेडियो प्लेटफॉर्म

और दिस इज योर होस्ट एंड दो श्रद्धा व्यास साइनिंग ऑफ मिलते हैं बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर बाय एंड कीप स्माइलिंग रेडियो इट इज ऑसम